नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी पालक के पकोड़े बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अगर शाम को चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैंने एक पालक की गड्ढी ली थी, उसको अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक मैंने काट लिया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। ये मैंने दो आलू लिए हैं, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और अभी पानी में डाल के रखा है ताकि काले ना पड़ जाए। और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये नमक लिया है, ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। ये मैंने धनिया पाउडर गरम मसाला लिया है, ये हींग ली है, ये मैंने अदरक लिया है और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये चार पांच हरी मिर्च लिए, इसको काट लिया है। ये जीरा पाउडर लिया है, ये धनिया पाउडर लिया है और ये मैंने आवश्यकता अनुसार बेसन लिया है। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से आलू को निचोड़ करके पालक में डाल लेंगे। पानी में डाल के आलू का सारा स्टार्च भी निकल गया है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे और जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, ये हमने सवा चम्मच के करीब डाला है। अब धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच और आधी चम्मच हम हल्दी डाल देंगे लगभग। और ये हम धनिया डाल देंगे जिसको हमने क्रश करके रखा है, साबुत धनिया को इसमें दो चम्मच डाल देंगे। इससे धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिएगा आप। और चुटकी भर हम इसमें हींग भी डाल देंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे चम्मच से, छः चम्मच डालना है हमें भी बेसन। जब ज़रूरत पड़ेगी तब बाद में हम फिर और डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें एकदम से पानी ज़्यादा ना डालें, जब ज़रूरत पड़े तभी पानी डालें, क्योंकि इसमें अपना ही मॉइस्चर बहुत होता है पालक में और आलू में भी। पहले हमें इन्हीं मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नमक डालेंगे हम। अभी इसमें बेसन और पड़ेगा। कुल मैंने 10 चम्मच बेसन डाला है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जब आपको लगे ये सूखा सूखा लग रहा है तब इसमें आप 3-4 चम्मच पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें। इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, अगर आप इसे गीला कर देंगे तो हमारे पकोड़े एकदम करारे नहीं बनेंगे। अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब अच्छी तरह से मिला लें इसको। एक दो चम्मच पानी डालें, ज़्यादा ना डालें। अभी मसाला बिल्कुल तरह तैयार है पकोड़े सेकने के लिए। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमें फुल ही रखना है अभी। अब थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में, इस तरह से पकोड़े डालेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, अगर तेल अच्छा गर्म नहीं होगा तो पकोड़े सारा और तेल पी जाएंगे। और इनको अभी पलटना नहीं है, अभी ये गीले हैं, एक साइड से अच्छी तरह सीख जाएंगे, उसके बाद आप पलटें इसे।
आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और साबुत धनिया को क्रश करके ज़रूर डालें इसमें, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब आप इसे पलट सकते हैं। एक साइड से बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं, दूसरी साइड से भी हम इस तरह सीखेंगे। और आलू को भी आप इसी तरह घिस के डालें, मोटा मोटा घिस के डालना है, तो उससे भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। एक थाली में आप पेपर लगा लें, उसके ऊपर निकालें सारे पकोड़े। ये हमारे पकोड़े सिक गए हैं, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बने हैं। देखिए एकदम से करारे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बाकी के भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। इनको भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम सारे पकोड़े। इसमें हम चाट मसाला भी डाल देंगे। हमारे पकोड़े एकदम बन के तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।